क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आप तमाम नासरीन का HT News चैनल में खैर मकदम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से आज बतारीख 5 जुलाई को पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में माह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तमाम तर बेहतरीन इंतजाम का जायजा लेने के लिए आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस जायजा इजलास के मौके पर तमाम मजलिसी जिम्मेदारान, बरकी बल्दी आबरसानी के तमाम आला अहदेदारान, तमाम आशुर खानों के मुतवलियान भी मौजूद थे। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी वो याकुतपुरा असम्बली हल्के के MLA अहमद पाशा कादरी, चारमीनार MLA मुमताज अहमद खान, नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के MLC मिर्जा रहमत बेग, रियाजुल हसन आफंदी, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल कादरी, दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और दीगर तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तमाम ने अपने खिताब में इस खसूस में तमाम तर तफसीलात बताई। तमाम डिपार्टमेंट के आला अहदेदारान को माह मुहर्रमुल हराम के आगाज से कबल ही बेहतरीन इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। पेश है HT News चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट। आज दारुसलाम में नकीब मिलत बरसुद्दीन साहब सदर मजलिस डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में मुहर्रम के खसूसी इंतजाम की मीटिंग हर साल की तरह इस साल भी हुई, जिसमें मजलिस के तमाम अराकीन असम्बली, कॉरपोरेटर, सदूर मुतमदीन और महिबान अहले बैत कसीर तादाद में शिरकत की है। ये मीटिंग हर साल मुनक़द की जाती है सालार मिलत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से। सालार मिलत ने इसका आगाज़ किया था। गवर्नमेंट में मीटिंग नहीं होते थे जब मजलिस करती थी, अब गवर्नमेंट में भी हो रही है। बहरहाल मकसद ये है कि अजादारों को और मुहर्रम के तमाम जायरीन को बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल से कोई तकलीफ ना हो, उन कामों की तकमील करके उनको राहत पहुंचाना, उनको सहूलत पहुंचाना ये मीटिंग का मकसद है। मुहर्रम से पहले नतीब मिलत दसउद्दीन अयूबी साहब की नुमाइंदगी पर जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलमदार वाला जाई साहब, बासे साहब, सोहेल कादरी साहब, हमारे कॉरपोरेटर MLAs ये सब मुहर्रम के खसूसी इंतजाम के एस्टिमेट बनाकर नतीब मिलत की नुमाइंदगी इसको मंजूरी हासिल की। अब फिल वक्त 8 करोड़ रुपए की लागत से काम मंजूर हो चुके हैं, अभी बहुत सारे होने के हैं। ये 8 करोड़ के काम का टेंडर हो जाएगा, वो काम मुहर्रम से पहले शुरू भी होगा, तकमील भी पाएगा, कोशिश कर रहे हैं। बाकी काम भी इसी तरीके से काम अंजाम दिए जाएंगे। महकमे बल्दी आबरसानी वाटर वर्क, आबरसानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बल्दिया ये तमाम ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। इनको निशानदेही की गई कहाँ कहाँ क्या काम है और इसकी तकमील करने के लिए पाबंद किया गया है और कोशिश इस बात की जा रही है कि सबसे बड़ा मसला सफाई का है, सैनिटेशन का है और एक वाटर पोल्यूशन का, जिस तरीके से ड्रेनेज के पानी ओवरफ्लो होता है उसके वो अहम इमरजेंसी में काम करने के लिए हिदायत दी गई है और कोशिश इस बात की जा रही है कि तमाम अजादारी के अयाम में किसी किस्म के भी कोई मसाइल पैदा ना हो, तमाम मसाइल की एक्सवी हो जाए, लोगों को राहत पहुँचाए। बस शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम रुकने पार्लियामेंट की हिदायत पर सदर दफ्तर दारुसलाम में मुहर्रम के इंतजाम के लिए आज एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम आशुर खाने के जिम्मेदारान, तमाम ऑफिसर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की और ये मीटिंग में जो काम हो चुके हैं उनका जिक्र किया गया और जो काम आज याद दिलाई गई, याददेही की गई, उन कामों को भी इसमें जो है शामिल किया जाएगा। मैं इस मौके पर तमाम शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। खुदा साहब MLC रहमत बेग साहब MLC, मेरे साथी कॉरपोरेटर, तमाम आशुर खाने साहब के हजरात, जिम्मेदारान, जैसा कि अभी अहमद पाशा कादरी साहब
تمام تفصیل رکھی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر آپ لوگوں کے جو بھی ضروریات ہیں جو بھی کام ہیں اس کی تکمیل کے لیے نمائندگی کی جاتی. اس مرتبہ بھی ہماری جانب سے جو جو ہم کو معلومات حاصل ہوئے ہم وہ لیٹر تمام حکمجات کو دے چکے ہیں. جیسا کہ ابھی احمد پاشا خالد صاحب نے تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھی, اس سے ہٹ کر بھی آپ کے اگر کوئی دوسرے مسائل ہیں تو میٹنگ بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے دوسرے کام ہیں وہ کام کو معلوم کر کے اس تعلق سے بھی نمائندگی کر کے اس کو بھی منظور کروایا جائے. جیسا کہ ریاض الحسن آفندی صاحب آپ کے تمام ذمہ داری کے ساتھ پورا کام نبھا رہے ہیں, میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جو جو بھی آپ کی نمائندگی الحمد للہ کر چکے ہیں اس سے ہٹ کر جیسا کہ ابھی احمد پاشا خاتم کہے کہ آپ لوگ ریٹنگ کے اندر جو جو بھی آپ کے کاموں کے تعلق سے آپ دیں گے تو انشاءاللہ اگر ہمارے کاموں کے اندر وہ کام نہیں شریک ہیں تو ان کاموں کو بھی دے کر آپ کے کام منظور کروائے جائیں گے. شکریہ, خدا حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اجلاس کے نگران قرآن صلی اللہ علیہ وسلم شاہ خالد صاحب اور پہلے متمد حکومت سے اتحاد حاصل ہے جناب مطالعہ جناب ریاض الحسن صاحب ایم سی جناب رضا احمد صاحب اور مجلس اتحاد کے تمام کارپوریٹرس تمام ڈپارٹمنٹ کے آفیسرس اور ملازمت سے آج کے اجلاس میں شریک ہونے والے تمام معاشر خانے کے ذمہ داران اور اس کے علاوہ جو جو لوگ یہاں پر تشریف ہیں. آج کی میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں جسے اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور نقیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے قیادت کے اندر جب سے میں جسے اتحاد المسلمین کا دوبارہ آیا ہوا فخر ملت اور سردار ملت کے ان لوگوں کے خاص ہدایت پر ہر سال مہم کی میٹنگ دارالسلام میں منعقد کی جاتی ہے. اس سلسلے کے اندر تمام آفیسرس کو بھی بلایا جاتا ہے اور جتنے بھی معاشر خانے کے ذمہ داران ہیں ان کو بلاتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین ان سے درخواستیں لیتی ہے اور اس کے بعد ان کے جو جو کام ہیں کسی آفیسرس کو کہہ کے وہ کام کو انجام دیتی ہے اور تاکہ محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے اندر جتنے لوگ ماتم کرتے ہیں یا مجالس ہوتے ہیں ان سب کو کس طریقے سے بہتر انتظام کرانے کے لیے اجلاس منعقد کیا جاتا ہے. اسی کے سلسلے میں آپ نے تمام لوگوں سے سنا ہے کہ کیا کیا کام ہے. ابھی پیش مقرر ایمنسی صاحب نے تفصیلی روشنی داری کاموں کے بارے میں, میں تو الحمد للہ یہی کہنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار چاہے وہ صدر ہو ایریے کے محمد ہو اس کے علاوہ خاص طور سے جو رول رہتا ہے ہمارے کارپوریٹر مطلب جو ایریے میں موجود رہتے ہیں تو میں ان سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے میں جو پورا پورا بھروسہ بھی ہمارے کارپوریٹرس کے اوپر یہ لوگ بھی ایریے کے اندر رہتے ہیں ملے حضرات بھی رہتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران بھی رہتے ہیں تو ہم یہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کے اندر خاص طور سے دلچسپی لیں گے اور اچھے سے اچھا کام کرانے کی کوشش کریں گے. چونکہ ہر سال مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہتی ہے اور آپ کے تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کو کیسے دور کرنا ہے اس کی پوری پوری کوشش کرتی ہے. جیسے دو دن پہلے تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اس میں کچھ ہمارے بھائی لوگ بھی آئے تھے اور ہم لوگ بھی موجود تھے. اس کے اندر ہماری پارٹی کی جانب سے جو جو مسائل تھے اس مسائل کو اٹھایا گیا, اس مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سے ہم باضابطہ ان سے ایگری کرائے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تو معلوم ہے, ان شاء اللہ ہم ضرور بضرور آپ کے درمیان میں رہیں گے اور اللہ نے چاہا تو آپ کے محرم کے اندر چونکہ میرا مین آفیسروں کو ایک ریکویسٹ ہے یہ محرم کا جو ابھی مہینہ آ رہا ہے یہ برسات میں آ رہا ہے اس کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ سیور اوور فلو کا ہوتا ہے, ایس ڈبلیو ڈرین اوور فلو کا ہے ہوتا ہے, نالا اوور فلو کا. اس کے اوپر اپن اگر پہلے سے دلچسپی لے لیتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا.
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब की मरतबा अगर चैलेंज अगर किसी को है तो मेरी नज़र के अंदर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चैलेंज है। वाटर वर्क्स को इसीलिए चैलेंज है कि ओवर फ्लो की रेगुलर शिकायत होती है, एक मैनुअल अगर ओवर फ्लो होता है तो उसका जो ओवर फ्लो का पानी जाता है वो काफ़ी दूर तक जाता है, तो इसके लिए हम अगर साथ के साथ अगर उसको ट्रीट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बरसात के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को चैलेंज इसीलिए होता है कि अक्सर ट्रिप होती है बारिश के अंदर और काफी मसले मसाइल होते हैं, प्लांट झाड़ गिर के भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने शेख प्रदर्शन करना आई जनाब सैयद नवाब, जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और MLA यापुरा अली जनाब जैद नवाब, जनाब मुमताज अहमद खान साहब MLA चार मीनार, जनाब जाफर हुसैन मेहराज साहब MLA नामपल्ली, जनाब मिर्जा अहमद बेग साहब MNC, जनाब सोहेल खादरी, मौजूद तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और तमाम आशो मैनेजर के तमाम मुतवलिया ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम तमाम अखूबी जानते हैं और यहाँ पर जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब ने आप तमाम के सामने तमाम तफसीलात को रखा, मैं भी यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम अरेंजमेंट्स के लिए, अय्याम अज़ा के लिए, इंतज़ाम के लिए मीटिंग मुनक़िद की जाती है और ये सिलसिला आज कल का नहीं बल्कि क़दीम सिलसिला है। और यकीनन मैं अल्लाह सुबहाना तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना तआला ने हमको ये मौका फराहम फरमाया कि हम तमाम मिलकर अय्याम अज़ा के इंतज़ाम के खिदमत अंजाम देते हैं। यकीनन एक तफसील आप तमाम वाकिफ हो चुके हैं। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम नेपाली में, वाली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर चंद्रायन गुड्डा, MLA चंद्रायन गुड्डा की हिदायतों पर हमने पहले ही तमाम एस्टिमेट्स बनाने के लिए GHMC को नुमाइंदगी की, अल्हम्दुलिल्लाह एस्टिमेट्स भी बन गए, सेशंस भी हुए हैं और उम्मीद है कि एक दो दिन में टेंडर्स का प्रोसेस भी किया जाएगा। और हमारी जानिब से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से हमने ये कह दिया है कि तमाम MLAs की जानिब से ये बात हो चुकी है कि टेंडर्स शॉर्ट टेंडर्स लगाया जाए ताकि जल्द से जल्द कामों का आगाज हो। जहाँ तक साबिका साल के कामों का मौका है, ये भी बात कह दूँ कि साबिका दौर के जितने काम सेंशन हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैं समझता हूँ 95% वो कामों को तकमील किया गया है। और इस बात का तमाम बखूबी वाकिफ है क्योंकि आप तमाम आशूर खाने जात के जिम्मेदार हैं, सब जानते हैं कि अपने अपने आशूर खाने जात में इन कामों को तकमील किया कर चुके हैं। इस साल के भी काम इंशाअल्लाह ताला जो सेंशन होंगे यकीनन आप हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, इसको मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स होता है, हलाए बीबी के वहाँ पर करंट नहीं जाने के लिए पावर सप्लाई के लिए वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर्स जो नाले के पास एडिशनल ट्रांसफार्मर्स और ऑफ इन पैलेस के पास लगाए जाते थे, इस बार भी वो लगाए जाएंगे। और मैं ऑफिसर से यही कहूँगा कि ये काम में जल्द से जल्द आगाज़ किया जाए इन कामों का। पॉट होल्स है, न्यू रोड्स लेन है, इन तमाम कामों को जल्द से जल्द इस कामों का आगाज करेंगे और ये काम कंटिन्यू हो भी रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले कुछ आशो खाने जात के पास जो काम होने थे वो अभी तकमील करवाए हैं, तो ये काम हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। और इस साल बारिश की वजह से लास्ट ईयर जो है बारिश को देखते हुए क्योंकि यहाँ बारिश में आया, अलाए बीवी में एक टेम्पररी शेड्स लगवाया गया था। सदर मुतवलिया जनाब अब्बास मुस्लिम साहब ने भी अभी बताया कि वो रूल्स चाहते हैं कि बादशाह ऐशो खाने में भी इस चीज़ की ज़रूरत है, अलावा सतरों के मुबारक में
इंशाल्लाह ताला अभी मैं हमारे एमएलए हजरात से जो इंशाल्लाह लेटर्स भी ले लूँगा, इसके लिए भी हम जो है यहाँ से इंशाल्लाह इसका भी आगाज़ करेंगे। और जो भी आप लोगों के माँ बाप के काम है वो आप तहरीरी तौर पर यहाँ पर जमा करा दीजिए, और कुछ है तो इंशाल्लाह ताला सवाल। शुक्रिया आपका। जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, मुहतमद उमूमी एम एल ए जाफरपुरा, जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब एम एल ए चारमीनार, जनाब रियाजी साहब एम एल सी, जनाब सैयद कादरी साहब, जनाब अलमदार वाला जय साहब और तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और जितने आशोपानों के जिम्मेदार हजरात आए हैं सबको मेरा सलाम। आज सदर मुहतरम नसीब मिलत फलहार बैरिशरासदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर रफिया रसानी के तमाम कामों के इंस्ट्रूमेंट्स भी बन चुके हैं और उसमें तकरीबन कामों की मंजूरी भी हो चुकी है। आज से दो दिन पहले हुकूमत तेलंगाना की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी मैंने खास तौर पर ये बताया कि सौ जोन एरिया में जितने मेन रोड्स हैं वो मेन रोड्स के ऊपर रोशनी का इंतजाम नहीं है, जहाँ पर मॉडर्न लाइट है वो काम नहीं कर रहे, उसका मेंटेनेंस जरूरी है। और कई बार ऑफिसरों को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहा, और जब भी नीचे टाइमर चले गए केबुल चले गया बोलकर ऑफिसर आए बोल रहे। मगर मैं ऑफिसरों को बोलना चाह रहा हूँ कि सौ जोन के जितने मेन रोड्स है आरामगढ़ से लेके पुरानापुर, पुरानापुर से हाईकोर्ट रोड, हाईकोर्ट से मदीना से चार मीनार, गुर्दा रोड, शाही बंडा और ये बिराना मंडी की जो रोड है मोहलपुरे से पूरा खजा खाना दायरा और वहाँ से चादर घाट तक, इन रोडों के ऊपर रोशनी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जहाँ पर आपको मेंटेनेंस नहीं हो रहा वहाँ पर टेम्पोरेरी लाइटिंग लगाई है, और ख़ास तौर पर सदर मौजूद की नुमाइंदगी के ऊपर जितने आशुखानी हैं सौ जोन के उन आशुखानों में टेम्पोरेरी लाइटिंग के ताल्लुक से तकरीबन 70 लाख रुपये का इंस्ट्रूमेंट बना, उसकी मंजूरी भी हो चुकी और उसका टेंडर भी हो चुका, और इसके ऊपर भी मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर नज़र रखिए। जहाँ पर जिस आशुखाने में 20 लाइट लगाना है या बाद जगह 50 लाइट लगाना है, बाद जगह 100 लाइट लगाना है, आप लोग देखिए वहाँ पर जाकर, ये नहीं कि टेंडर करा दे रहे हैं लाइट लगा टेंडर आ रहा है उनके हिसाब से काम कर रहे, ये चलने वाला नहीं है। अगर उनकी हिदायत है मुझे ये कामों के ऊपर मैं भी नज़र रखूँगा। दूसरी चीज़ जी एच एम सी के जितने कामा सौ उनके ईस है वो लोग जल्दी टेंडर बुलाना चाहिए, क्योंकि हमने मीटिंग में भी बताया कि शार्ट टेंडर लगाकर वो कामों को करिए, ये नहीं कि रमजान ये जैसा हुआ बकरीद में भी सेंक्शन दे दे रहे टेंडर हो रहा कोई कंट्रैक्टर डाल रहा है नहीं डाल रहा, फिर उसके बाद बकरीद के अपने मुहर्रम के बाद वो कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं सख्त तौर पर कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने काम मंजूर हुए वो काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि खाली टेंडर करा के बैठ गए। इसके ऊपर भी नोट लिया जाएगा, ऑफिसरों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, जो ऑफिसर काम से नज़रअंदाज कर रहा है लापरवाही कर रहा है उसके ऊपर भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बराबर नज़र रखेगी, क्योंकि इतने करोड़ों रुपए के सेंक्शन जो ला रहे हैं काम करवाने के लिए ला रहे हैं, ये नहीं कि खाली आप ला रहे लिस्ट बता के हमारे कुछ कर दे रहे, ये चलने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरे जैसा कि जी एच एम सी में असिस्टेंट इंजीनियर है, डिप्टी है, ई है, खाली लोग फोनों पर काम कर रहे, फील्ड पर कोई नहीं जा रहा,
बात करते कि वर्किंग इंस्पेक्टर को भिजा दे रहे, तो ये चलने वाला नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जो है वो काम करिए, और ख़ास तौर पर वाटर वर्क्स के तालुक से जो बताया गया कि